चलिए फॉलो फॉलो आइए सर। सर कुछ पोज चेंज कीजिए, पोज दीजिए सर। सर यहाँ पे हाँ मोबाइल मोबाइल थोड़ा पीछे। पंडित जी आपका कैमरा ये है मेरा वाला ऊपर वाला है। वाला पंडित जी का है। महाराज जी सबसे ऊपर वाला है। महाराज जी सबसे ऊपर वाला है। चलिए ठीक है बस बस। यार था वो घड़ी सो घड़ी आ गई है। इस फिल्म के सुपर स्टार हीरो राहुल जी आ चुके हैं। यथा नाम तथा गुण है आपके अंदर। मुस्कुराते भी बहुत अच्छा है आप। हमको लगता है कि पिक्चर में मुस्कुरा करके लोगों को घायल कर देंगे। और ये अलीसा जी हैं बहुत ही अच्छी एक्टर हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। सुजीत जी, सुमन, जयनेन्द्र कुमार जी, ज्योति, मुकेश कुमार सिंह जी, निर्देशक सूरज राजपूत जी कहाँ पर हैं? आप सामने खड़े हैं। सुदर्शन साथी संगीत क्या है अमन श्लोक, छायांकन नागेंद्र राव जी, कला सुनील आर्ट, नृत्य ज्ञान सिंह, संकलन विनोद चौरसिया, मारथाड़ प्रदीप खड़का जी, पी आर ओ संजय भूषण पटियाला जी हैं। संजय भूषण पटियाला जी को भी आज बहुत बहुत बधाई। COVID-19 योद्धा सर्वश्रेष्ठ पी आर ओ का आज उनको अवार्ड भी मिला है। संजय भूषण जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। विष्णु शंकर जी, के गोस्वामी जी, के गोस्वामी जी को भी बहुत बहुत बधाई हो आज। ऑर्चिड होटल में हमारे साथ में अवार्ड मिला है COVID-19 योद्धा का। आपको भी बधाई पंडित जी। धन्यवाद आप सभी मीडिया का। मेरे प्यारे दुलारे मीडिया है, सब मेरे अपने हैं जितने यहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं विष्णु शंकर जी? विष्णु भी और शंकर आ जाइए साथ में लेकर के। और के जी आ जाइए। के जी आइए आइए। आप आए बाहर आइए आइए नीलम जी आप ही आइए। नीलम जी आप ही आ जाइए। के जी जिस पिक्चर में रहते हैं वो पिक्चर सुपरहिट ही हो जाती है। संगम तट की वासी सुपरस्टार गायिका आप भी आई। अनु पांडे आज बहुत ही अच्छा धमाल मचाए आप ऑर्चिड होटल अंधेरी में। उनको भी अवार्ड मिला, बहुत बहुत बधाई। आप भी आ जाइए ऊपर। राजन जी कहाँ पर है? राजन जी और जो गमछा लिए हैं जरा वो भी आ जाए। क्या नाम है आपका? भूल जाता है। आप भी आ जाओ। विष्णु जी कहाँ गए? अरे उन्ना रखो। हमारे उत्तर भारत के सभी शान हैं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ पहले कोरोना समाप्त कर दो पूरे हिंदुस्तान से, ताकि जल्दी से जल्दी हर सिनेमा हॉल में अच्छा चले, हर पिक्चर सुपरहिट हो, अच्छी रहे। आपकी सती नागिन धर्म पत्नी आज बहुत जो मुहूर्त आज के दिन रखा आप डायरेक्टर बहुत अच्छे दिन रखे, क्योंकि इसका नाम है सती नागिन धर्म पत्नी और हमारे हिंदू सनातन धर्म में आज करवा चौथ है। जो पत्नी अपने पति के लिए आज निराजल व्रत रहती है, तो बहुत अच्छे दिन आप मुहूर्त रखे। सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सती नागिन धर्म पत्नी नारी प्रधान फिल्म है और
बहुत ही अच्छा फिल्म है, इसमें सारे बड़े कलाकार हैं जैसे अवधेश मिश्रा जी, देव सिंह, बालेश्वर जी, अब के गोस्वामी जी, इसमें अलीशा अली खान जी भी हैं और तनुश्री जी भी हैं और हमारे राहुल जी एक बहुत अच्छे एक्टर, पहले फर्स्ट फिल्म था इनका केहू बा दीवाना नहीं है, अभी हमारे साथ में काम करने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि राहुल जी भी दो शब्द बोले। सबसे पहले अपना जितने भोजपुरी समाज को सबसे पहले तहे दिल से सबको प्रणाम, भाई बहन सभी को। और आज बहुत ही खुशी का मौका ये है कि जैसे पंडित जी बताएं कि आज का दिन जो है नारी प्रधान, जैसे हमारी फिल्म का टाइटल है सती नागिन धर्मपत्नी, तो कहीं न कहीं धर्मपत्नी से लगाव है, तो आज का दिन हमारा शुभ मुहूर्त निकला है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा टाइटल है उस टाइटल से टच होते हुए हर कदम हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी हमारा कुछ ऐसा है। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो हमारा फ्लोर पे कॉन्सेप्ट जा रही बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए और साथ में हमारे सूरज जी जो डायरेक्टर हैं सूरज राजपूत, इनकी कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग होता है। इससे पहले भी इनकी फिल्म आई थी अर्धांगिनी, तो बिल्कुल ही एक फैमिली ड्रामा का सोच देता है हमेशा जब कॉन्सेप्ट लाते हैं तो डिफरेंट। जैसे हमारी भी इससे पहले भी कॉन्सेप्ट इनका आया था क्यों दीवाना वाली घर में, तो भी एक फैमिली ड्रामा था, अभी जो है ऐतिहासिक है जो अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही कहानी एक कहते हैं ना कि जो भी हमारा आए का जो कहानी बिल्कुल जो पिछले लोग आज तक नहीं समझ पाए इतिहास को, जो भी आज देखकर कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा विशेष की कुछ सर आप बताएं कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट भी आगे दो सब त्रिशा जी बोलेंगे। सबसे पहले सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम नमस्कार, मैं मलेशिया अली खान एंड कितने लोग आए हैं उनका तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एंड आज जिस फिल्म की मूर्त है सती नागिन धर्मपत्नी, इनका डायरेक्टर सूरज जी है, हीरो राहुल है एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है जैसे के जी है, अवधेश मिश्रा है, संजय वर्मा जी है, देव सिंह है, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश कि बहुत अच्छी बेहतरीन एक फिल्म बनने जा रही है और मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। एंड रही बात लड़की प्रधान में फिल्म बनाने का, तो मैं बहुत खुश हूँ कि औरत प्रधान में बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डायरेक्टर साहब थोड़ा वाइफ से डरते हैं, तो हमेशा वाइफ को प्रधान करके ही पिक्चर बनाते हैं। आप सेफ रहोगे, टेंशन मत लो, क्योंकि आपके वाइफ भी खुश होने वाली। नागिन मैं नहीं दिख रही हूँ क्या? नागिन कैसे बोल सकते हैं? नागिन तो मैं ही हूँ और जी, एंड बहुत किसी को डसने वाली हूँ जिसपे दिल आ गया भैया उसी का तलाश में हूँ। केके भाई सबसे मैं चाहती हूँ कि केके जी कुछ कहें। केके जी नागिन जी बोल रही है आपके विषय में, क्या कहेंगे? मेरे विषय में तो कुछ नहीं बोली, आपके विषय में बोल रही थी। बोलो। हाँ सर बोलिए बोलिए। जय भवानी। देव जी आ गए हैं तो पहले देव जी को ही बोलने दिया जाए, वो एकदम गरम गरम अभी बोलेंगे। नहीं वो सब लोग बोल रहे हैं देव जी आ गए तो पहले देव जी को बोलने दिया जाए, वो थोड़े ज्यादा गरम गरम बोलेंगे। वही तो बताइए क्योंकि आप एकदम अभी गरम समोसे हैं, वो हमारे पास भी नागिन बगल में ही खड़ी है और बहुतों को डस के आई हुई है यहाँ पर। संजय जी आ गए हैं, एक भामिन साहब भी आ गए हैं। राहुल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल जी आपने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए और भी दो फिल्म राहुल जी शुरू कर रहे हैं ऐसा मुझसे इन्होंने कहा था, अभी साइनिंग नहीं मिली। और सूरज जी के साथ पहले अर्धांगिनी कर लिया था मैंने, बहुत अच्छा लगा था काम करके सूरज जी के साथ। और सच में इन्होंने पारिवारिक फिल्म ही पहले भी बनाई थी और बहुत अच्छी फिल्म पारिवारिक अर्धांगिनी इन्होंने बनाई थी, जो बहुत मज़ेदार फिल्म थी।
और माँ बहनों को बहुत पसंद आई थी। अलीशा खान जी का क्या मैं बोलूँ, ये तो आप इनको पसंद कर लीजिए आप लोग नागिन के रूप में। हाँ मैंने अभी व्रत रखा है आधे घंटे पहले से, अभी जाकर मैं नागिन को दूध पिलाऊंगा। आधे घंटे पहले मैंने व्रत रखा था। थैंक यू। और सुजीत जी कहाँ दिख रहे हैं, पीले कुर्ता में एकदम चमक रहे थे सुजीत जी। सुजीत जी प्रोड्यूसर साहब जो हैं, सुजीत सुमन जी वो हीरोइनों के चहेते हीरो हैं, प्रोड्यूसर हीरो। और आप सबके बीच एक बहुत ही बड़े कलाकार आए हुए हैं आज, जो हिंदी बॉलीवुड के बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अपना परचम लहराया है। और मेरा जो सीरियल था कोई है और विकराल और गबराल में जो गुरु आचार्य का रोल करते थे वो विष्णु शर्मा जी आज हमारे बीच हैं, उनका आशीर्वाद मिले बगैर इस नागिन को उसका उद्धार नहीं होने वाला। तो प्लीज विष्णु शंकर जी दो शब्द आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए सर। आजकल सबसे महंगी चीज हो गई है सच्चा आशीर्वाद। बहुत अच्छा टाइम चुम है। अभी मेरे पास कोई मित्र बैठे हुए थे, कह रहे थे तीन फिल्में हैं क्या, मैंने कहा नहीं लगता तो ऐसा नहीं है, नाम ऐसा है साथी नागिन और धर्मपत्नी मिल भी सकते हैं ये तीनों, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है जीवन में इन तीनों का मिलना, लेकिन निर्देशक अगर अच्छा हो तो मिला देगा, तो निर्देशक अच्छा है ही। धन्यवाद, थैंक यू। चाहता हूँ कि देव जी दो शब्द बोले अपने फिल्म के बारे में। सर सेंटर आइए देव जी। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। और सती नागिन धर्मपत्नी के निर्देशक सूरज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े भाई सुजीत जी को बहुत बहुत गुड लक कि एक अच्छे टाइटल पर अच्छी फिल्म बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। और मैं जानता हूँ कि वो अच्छी फिल्म बना रहे हैं और मुझसे जो हो सकता है मैं इनके साथ खड़ा हूँ हमेशा के लिए। और यही कहूँगा इनसे अंकल दो शब्द हो गए सर प्लीज। संजय वर्मा सर बस इंटरव्यू नहीं करेगा तुम लोग इंटरव्यू जी। आपने फिल्म सत्य नारायण के बारे में दो शब्द बोलिए पढ़ने देगा जब फोटो। हाँ सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि हम दोबारा काम करने जा रहे हैं तिबारा। और आज बहुत अच्छा दिन है, करवा चौथ है, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। जिसकी बीवी हो उसको भी बधाई, जिसकी ना हो उसको भी बधाई। सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सती नागिन और धर्मपत्नी जो फिल्म है बहुत ही एक डिफरेंट कंटेंट में फिल्म बन रही है। और जब मुझे सिचुएशन दिया सूरज जी और सुजीत जी हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हुआ। और लगभग हम लोग एक महीने से इस फिल्म के सिचुएशन पे काम कर रहे थे और राहुल जी के साथ मुझे काम करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत म्यूजिक के सेंस वाले हैं। और सूरज जी के साथ तो मेरी तीसरी चौथी फिल्म है, और अर्धांगिनी फिल्म का मैंने म्यूजिक किया था इनके साथ जो सुपर डुपर हिट रही। और सुजीत जी हमारे गृह क्षेत्र के हैं, हमारे जिले के हैं, और बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छे आदमी हैं और पैसा समय पे देते हैं, सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये है। तो हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत ही बेहतरीन संगीत बनेगा इस बात की पूरी गारंटी है। बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही धमाकेदार गीत संगीत के साथ बहुत जल्द आपके सामने पेश होने वाले हैं। जैसे आपने मेरे पहले गाने सुने हैं थमके बरस रहा थमके बरस मेरा महबूब आने वाला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे ऊपर का गीत इस फिल्म में बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं राहुल जी को बहुत सारी विश करना चाहूंगी और साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ कि फिल्म वो बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि इसका टाइटल बहुत ही प्यारा है। और सबसे बेसिकली अगर बोलो तो फीमेल लड़की
लड़की के ऊपर है और स्त्रियां हमेशा से स्ट्रांग रहती हैं हर चीज़ में। अगर कंपेयर करते हो तो बात अलग होती कि लोग कंपेयर करते हैं, बट अगर सीरियसली देखा जाए तो वुमेन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन्स, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ मैं बोलूँगी अमन जी ने, वो तो चले गए लेकिन उन्होंने भी, मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मैंने बहुत सारे गाने भी गाए हैं। अमन उन्होंने भी मुझे देव जी की फिल्म डायरी सिंड्रोम में भी गवाया एक विदाई सॉन्ग और काफ़ी अच्छा था। तो मेरा दिल कर रहा है मैं दो लाइन बस वही सुनाऊं। वेरी वेरी नाइस टाइटल। और सूरज राजपूत जी लगातार फिल्में कर रहे हैं, उनको भी ढेर सारी बधाई। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं सुजीत सुमन जी, वो मुंगेर से आते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को तो आप लोग याद करते ही होंगे, कई फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है। और सती नागिन धर्मपत्नी में एक बार दोबारा हम लोग अगर श्रीदेवी को याद करें नागिन के लिए, और क्या बात है, गुरु जी आ गए हैं तो सुनील सर हमारे बीच में है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुनील जी टोपी निकाल दीजिए। नागिन के कैरेक्टर में जो है हमारी एक्ट्रेस साहिबा कई फिल्मों में हीरोइन रही है, और मैं चाहता हूँ कि सर कुछ कहें क्योंकि अब यहाँ पर है, ये फिल्म का टाइटल अपने आप में यूनिक है, सती नागिन धर्मपत्नी। सती भी पत्नी होती है, धर्म पत्नी भी पत्नी होती है, और नागिन तो पत्नी नहीं होती है, ऐसे बचा लिया मैंने। आज करवा चौथ भी कड़वा चौथ में हो जाए तो बहुत अच्छा। बहुत शुभकामना देना चाहूँगा पूरी टीम को, जो कि बहुत ही सुंदर लोगों से शराब हो रहे हैं, टैलेंटेड लोगों से शराब हो रहे हैं और सफल लोगों से शराब हो रहे हैं। और अब थिएटर जब खुल चुके हैं तो सबका कॉन्फिडेंस खुल गया है, और भगवान चाहे करे, ईश्वर करे कि अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आज़ाद है, कोई गुलशन नहीं उजड़ेगा। जितना गुलशन उजड़ना था, जितना गुलशन उजड़ना था विष्णु शर्मा का उजड़ चुका है। विष्णु जी शर्मा रहे हैं, लेकिन विष्णु शर्मा है तो शर्मा मत आइए, ऊपर आइए। ये शर्माते हैं, हाँ ये तो दहाड़ते हैं, इनकी वजह से ब्रह्मा और विष्णु नहीं आ, महेश नहीं आ पाए, विष्णु जी आ गए। तो बहुत अच्छी शुभकामनाएं इस पूरी टीम को। और अब जबकि थिएटर खुल चुके हैं तो 22 तारीख को खुले हैं और 2022 अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 22 स्कोप की बात है इस मामले में, बड़ा 22। और मैं चाहता हूँ कि अब जीवन में कभी भी वो पल नहीं आए कलाकारों को एक पल का भी कष्ट हो। आप सब जियो हजारों साल, यही तहे से दुआ दे रहे हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हारो। साइलेंस खूबसूरत नाम है, पत्नी क्या नागिन अर्धांगिनी और ये सब है ना, ये एक मिनट पहले से बता दो नाम। सती नागिन अर्धांगिनी एक अलग टाइप का नाम है लेकिन पूरा भारतीय है, और ये भोजपुरी फिल्म है। भोजपुरी भाषा जो है हमारे देश की बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी भाषा है, जो हिंदुस्तान के फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में कई सालों से बोली जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि थिएटर खुलते ही ये जो मुहूर्त हुआ है, 22 तारीख को थिएटर खुला था और फिल्म यानी 22 को, और 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इस बात के लिए मैं 22 हो चुका हूँ। और कई हीरो ने अपने 22 सेप भी बना ली है, और प्रदीप, हाँ राहुल ना हीरो, राहुल जो है हमारी फिल्म, और नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट होने वाला है, गाने अच्छे होने वाले, पारिवारिक फिल्म है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत है। तो रीजनल हो या ओरिजिनल, सबको शुभकामनाएं कि अच्छा हो आपका बेहतर कल। मैं तो इसको इसमें शुभकामना दे रहे हैं क्योंकि मेरा दोस्त संजय जी ने मुझे बुलाया है, लेकिन आई लव भोजपुरी सिनेमा। भोजपुरी सिनेमा ने बड़े बड़े कलाकार दिए हैं, मनोज तिवारी जैसे कलाकार दिए हैं, रवि किशन जैसे कलाकार दिए हैं, निरोवा जैसे कलाकार दिए हैं, खेसारी लाल जैसे कलाकार दिए, कुणाल जी जैसे सिनेमा के हीरो दिए, हमारे सुजीत कुमार जी और कितने सारे कलाकार, दिनेश ठाकुर, और ये त्रिशा जो है ये
बदल देगी फिल्मों की दिशा, क्योंकि अब नई हीरोइन आ रही है त्रिशा 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 त्रिशा। संजय भैया, खबर ये है कि आज आप करवा चौथ का व्रत किए हैं। मैंने करवा चौथ का व्रत मैंने ये किया है कि मैंने सोचा कि आज त्रिशा को मैं बुरी नज़र से नहीं देखूंगा, अच्छी नज़र से देखूंगा। हाँ, क्योंकि मैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को नज़र ना लगे, इसलिए 100 लोग अगर अच्छी नज़र से देख रहे हैं तो एक बुरी नज़र से देखना चाहिए, नहीं तो सबकी अच्छी नज़र भी लग जाती है। हाँ, है ना। तो दीपावली आ रही है तो मैं पूरे हिंदुस्तान को, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, और पूरे देश और दुनिया को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका जीवन दीपावली के दिए की तरह, रोशनी की तरह जगमगाए, आपके सारे सपने पूरे हो जाए और आपके जीवन का अंधेरा मिट जाए, यानी कि जीवन की अंधेरी खत्म हो जाए और गोरेगांव शुरू हो जाए। हैप्पी दीपावली। सबसे पहले सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ अलीशा अली खान। एंड आज सुनील जी आए हैं मेरी फिल्म सती नागिन धर्मपत्नी, इस फिल्म का जो मुहूर्त थोड़ी उसमें ये आए हैं शुभकामनाएं देने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आए हैं और बस इसी तरह साथ देते रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहें। मैंने तो घूंघट भी उतार दिया है। बाकी स्टोरी बहुत अच्छी है, इसमें एक नागिन है और एक धर्मपत्नी है, एंड आई एम प्लेइंग द नागिन और धर्मपत्नी तनुश्री जी कर रही है। एंड फिल्म का हीरो है राहुल सिंह, जो काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। सो मैं पहली बार उनके साथ काम करने जा रही हूँ, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड आई विश कि ये टीम वर्क बहुत अच्छा होगा और ये टीम वर्क का जो मेहनत है वो रंग लाएगी। एक्चुअली इस फिल्म को लेके मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी नागिन का किरदार मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी फिल्म हो चुकी है एंड मैं पहली बार नागिन का कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड देखते हैं, मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी। जो हटके चाहिए आज इस फिल्म का नाग जो है वो काफ़ी हैंडसम है और काफ़ी लंबे हैं, तो लंबे चौड़े नाग है। सुनील जी, किसी और फिल्म में त्रिशा जी नागिन और आप नाग रहे तो कौन सा गाना बोल जाएंगे? तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, लेकिन एक शर्त पे, बिन कारण को केके को देना पड़ेगा। अच्छा जी, कल परसों एक आपका वीडियो वायरल हुआ है कि आप और त्रिशा जी कहीं मुंह का बोल के आप बदल गए थे। त्रिशा जी के साथ में मैं जितना वायरल होऊंगा उतना मेरा फायदा है। ऐसा लगता है कि जैसे खूबसूरत लोगों के साथ में, फेमस लोगों के साथ में अगर हम चर्चा में रहते हैं तो ये इसी से हमारा खर्चा चलता है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह, सुनील पाल जी ने तो सब बोल ही दिया है, आप सबके जो अंधेरी वाले जगह पर गोरे गांव आ जाए। आप सब अब अंधेरी में, अंधेरे में ना रहें, गोरे गांव में रहें, आप सबके जीवन में उजाला आ जाए, प्रकाशमय हो, शांतिमय हो, खुशमय हो, गर्लफ्रेंडमय हो। मतलब आपकी जीवन, आपका जीवन जो है वो गौतम गंभीर ना रहे, गौतम अडानी हो जाए, है ना। हाँ जी, हो सकता है, अभी तो हमारी पहली मुलाकात है प्रोड्यूसर से, लेकिन अगर ये कहेंगे तो आई लव भोजपुरी सिनेमा, मैंने भोजपुरी फिल्में की है आपके साथ भी। कितना उदित नारायण जी की फिल्म कानून हमरा मुट्ठी में कर चुका हूँ रवि किशन जी के साथ में, फिर मोहन जी प्रसाद जी की फिल्म जीजा रंगीला ना, जीजा जी समथिंग समथिंग याद नहीं आ रहा, रंबा जी, हाँ भोजपुरी फिल्म थी। मोहन जी प्रसाद, आपकी नज़र में आशिकी क्या है? आशिकी जो है हमारी नज़र में इंसान की ज़रूरत है, जो आशिक नहीं वो जिंदा नहीं, वो जिंदा लाश है, उसे किसी की तलाश है।
तो आशिकी जो है सांसों की जरूरत है जैसे एक ही सांस चाहिए, मतलब अगर ऐसे सुनते तो एक ही हो तो काफी है भाई। जीवन में एक ही अच्छी आशिकी मिल जाए तो जिंदगी सफल है। और आज क्यों करवा चौथ के दिन ऐसी बस करवा चौथ के दिन करवा चौथ के दिन का जीवन कड़वा क्यों कर रहे हो आप? क्या करवाना चाहते हो? आशिकी एक ऐसा फीलिंग है जब सब कुछ अच्छा लगता है, बिन बादल बारिश भी अच्छी लगती है, नाला के बाजू में भी आप बैठे रहे तो भी आपको स्मेल नहीं आती है, कहीं पे भी आप रहो हर चीज अच्छा लगता है, काम में मन लगता है, मेरे साथ त्रिशा मतलब पूरा दुनिया अच्छी लगती है, ज्यादा अच्छा लगता है। नागिन जो है वो कौन से नाग के साथ? नागिन कौन से नाग के साथ? छादरी नाग के साथ कर नाग तो एक ही है तो उनके साथ ही करेंगे। अरे कब आज गेम त्रिशा ही करती है? हां इधर आइए, तुम्हें हमें लॉन्च इसीलिए क्योंकि तुम फोटो में देखो कब से नहीं अलीशा नाम देखो। अच्छा अलीशा नाम बदल दिया, नाम बदल के बदनाम सॉरी अलीशा अलीशा। अच्छा तुम्हारा असली नाम क्या है? अलीशा अली खान। फिल्म में ना? नहीं ऐसे ही रियल है। चलिए अलीशा जी, राहुल जी, विष्णु जी, केके जी एंड आपका शुभ नाम श्वेता और माँ दुर्गा फिल्म प्रोडक्शन ड्रीम्स ड्रीम बॉयज फिल्म्स एंटरटेनमेंट सती नागिन धर्म पत्नी प्रोड्यूस बाय सुजीत सुमन डायरेक्ट बाय सूरज राजपूत। सीन नंबर अभी शुरू होगा, शॉट नंबर शुरू होगा, टेक नंबर। तो मुहूर्त शॉट के लिए मेरी तरफ से, विष्णु जी की तरफ से, हम सब की तरफ से, सभी तमाम देश और दुनिया की तरफ से बहुत शुभकामना। जितना पैसा इस फिल्म में लगेगा उससे 100 गुना कम से कम कमाए। All the best, yeah. All the best, all the best. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वही मेरे फिल्म का थ्योरी है, वही हीरो है। जैसे लॉकडाउन के बाद कहा गया कि सेटेलाइट पे जो पिक्चर का आज डिमांड है फैमिली ड्रामा, इसलिए कि आज कोरोना काल में हॉल थिएटर बहुत सा क्लोज था, उसके बाद जो हमारे ऐसा न्यू एक्टर, जैसे मैंने फिल्म इससे पहले किया क्यों दीवाना वन ईयर में, पांचों पांडव, देव अपनल डॉन, ऐसे बहुत सारे फिल्म किया, लेकिन हम लोग उतना लाइट में नहीं आया जो लोग मुझे एक दूसरे में पहचान पाए, जो थिएटर में गया और आया मालूम नहीं चलता था। लेकिन अभी का डेट में क्या है कि कॉन्सेप्ट ही हीरो है। आज जैसे हमारी फिल्म है सती नागिन धर्मपत्नी, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम अपनी फिल्म से आज न्यू जनरेशन के जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, भाई हैं, बहन, हर कोई इस फिल्म को घर में बैठकर देखेंगे तो पुराने जनरेशन के हर चीज़ को देख पाएंगे सत्यनारायण धर्मपत्नी में। सेकेंड में क्या है सर कि आज का जो कॉन्सेप्ट ऐसा बनता था बीच में इससे पहले जो हम लोग कहीं भी बैठकर बात कर सकें एक दोस्त में कि भाई मेरी फिल्म आ रही है इसको देखना, लोग कहते थे अरे यार अकेले में ही देखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा गाना बीच में आ गया तो फैमिली के साथ हम लोग बैठ कर नहीं देख पाएंगे। हमने ऐसा क्या भाई, तो पिक्चर में जो गाने होते हैं भोजपुरी का ये है वो है, लेकिन आज जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हम लोग ये प्लस पॉइंट मिला, लॉकडाउन के बाद सीख मिली हमारे प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, हमारे जितने भी जनता है देखने वाले दर्शक को, कि आज हम लोग ऐसे इंसान को एक अच्छे मुकाम मिल रहे हैं, अच्छी सी फिल्म मिल रही है। जैसे आज देखिए सती नागिन धर्मपत्नी में मैं फर्स्ट बार काम करूंगा अवधेश भैया के साथ, जो भोजपुरी के अमरेश पुरी हैं, के गोस्वामी जी एक अच्छे कॉमेडियन हैं, साथ में एक संजय वर्मा जी, तो अच्छे अच्छे कलाकार के साथ हमारी यूनिट बहुत ही एक अच्छी लेवल में, बहुत बड़ी लेवल में एक प्रोजेक्ट कर रही है जो सती नागिन धर्मपत्नी है, जो कॉन्सेप्ट में दो एक्ट्रेस की कहानी है, एक धर्मपत्नी रहती है और एक हमारा जो है नागिन बन के जो हमसे प्यार करती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ, हमें जब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा आगे बढ़ता है मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट हमारा शूट होना बाकी है। तो बहुत अच्छी कहानी है और मेरी सोच है कि मैं ऐसा फिल्म करूँ कि हर घर में, हर परिवार के, हर फैमिली के दिल में बसूँ। सबसे बड़ी सोच मेरा ये है कि मैं ऐसा कॉन्सेप्ट काम करूँ जो हमें हर घर तक लोग पहुँचाएँ। राहुल जी आपके बाजू में दो खूबसूरत हसीनाएं इतना प्यार से आपको देख रही है, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? उनकी नजर नहीं हटती, खासकर त्रिशा मैम जो आपके फिल्म में नागिन है। एक्चुअली क्या है इनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि कुछ हमेशा ऐसे देखते रहती हैं और
ये जन्म पार होके फिर दूसरा बार जन्म मैं लेता हूँ। ओह माय गॉड, आप लोगों का ड्रेस भी काफी हद तक मैच कर रहा है, कुछ प्राइवेट प्लान तो कहीं तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से तैयार होके आई, ये अपने हिसाब से होके आई। ये माज एक इत्तेफाक है। हाँ माज एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक इत्तेफाक बिल्कुल, किसी को पता ही नहीं कि मैं कब मैं लेट पहुंचा, मुझे पहले। और आप सबसे मैं और एक चीज शेयर करना चाहूंगी, ये फिल्म का जो प्रोड्यूसर है सुजीत सुमन जी, इनको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ। उस समय मैं मुंबई नहीं आई थी, मैं बंगाल में फिल्म कर रही थी, और बंगाल में लगभग मैं 3-4 फिल्म कर चुकी थी। तो ये आए थे बंगाल में मुझे साइन करने, पहली पिक्चर जब मैं 16 साल की थी, तो इनके साथ मैं 2013 में पहला पिक्चर की थी कोलकाता से बिहार जाके, और उस जगह का नाम है मुंगेर, और उस शहर ने मुझे इतना प्यार दिया। उस शहर में कोई भी फिल्म बनती है तो सबसे पहले साइनिंग करने के लिए मेरे पास आते हैं, अगर मेरा डेट नहीं रहता या मैं बिज़ी रहती हूँ तो ही कोई किसी और को साइन किया जाता। तो ये जो मुझे मुंगेर शहर से प्यार मिला सुजीत सुमन जी के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है, बहुत दिल से फिल्म बनाते हैं, एंड मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। राहुल जी देखिए, नागिन को मौका मिलते हैं, धर्म पत्नी नाराज चेहरे पे साफ झलक रहे हैं, मैम क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या कहूँगी, बस यही कहूँगी आप लोग सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना अच्छा मूवमेंट आप लोग कर रहे हो, स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा, न्यू क्लाइमेक्स जैसे होते हैं, फैमिली ड्रामा है, थोड़ा रोमांस है, थोड़ा कॉमेडी है, जैसे हमारे केके जी है वो काफ़ी जिस फिल्म में रहते हैं उसमें 4-4 लग जाता है कॉमेडी में, और मैं यही कहूँगी बस बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छा हो। राहुल जी के लिए 3 शब्द कहना है, वो क्या होगा? मेहनती है, स्मार्ट है, हैंडसम है, और खूब तरक्की करेंगे आगे। और भी कुछ कहने की इच्छा है? और नाक के रूप में मैं पहली बार देखूंगी, बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, बहुत अच्छे जचेंगे इनको। और भी कुछ कमाने छूट गया हो तो? हाँ क्या बोलूँगी, और सब ठीक है। त्रिशा मैम, आप फर्स्ट टाइम काम कर रही, राहुल के साथ सब के साथ कैसा अनुभव रहा, कभी आप लोगों ने पहले मिले? अभी बस काम करने जा रहे हैं, अनुभव तो अभी होना बाकी है। दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो पॉजिटिविटी आप देख रहे होंगे, आज करवा चौथ है एंड आज इतना पॉजिटिव सबको फील हो रहा है, एक अलग ही माहौल बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे और भी कुछ बेहतर होने वाला है। राहुल जी, आपकी पिछली फिल्म थी केहू दीवाना बन नहीं हर, जी जी, उसके बारे में भी कुछ बताएं जो शायद दर्शक नहीं जान पाए हो। हमारी फिल्म केहू दीवाना बन नहीं, वो भी बहुत अच्छी फैमिली ड्रामा थी, और उस फिल्म में मैं एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल निभाता हूँ, उसमें प्रियंका महाराज एक्ट्रेस रहती हैं, और विलन के रूप में हमारे क्या नाम उनका बोल रहा हूँ, टाइटल से ऐसा लगता है कि अश्लीलता है, केहू दीवाना बन नहीं हर में। उमेश सिंह जो फादर कैरेक्टर निभाते हैं हीरोइन की, प्रियंका जी की, तो वो एक अश्लीलता नहीं, एक क्या नहीं, एक लड़की जो है गांव में कॉलेज में पढ़ने जाती है, तो वहाँ पे एक गैरेज में मैकेनिक से प्यार हो जाता है, और मैं बाहर जब पढ़ाई लिखाई करके मैं कॉलेज से बाहर जाता हूँ, जॉब लगता है, तो किसी कारण बस अफेयर उनसे है और शादी हमसे होती है। तो शादी होने के बाद जो होता है कि मैं जो बाहर से आने के बाद मैं पूछता हूँ कि किसी से अफेयर है तो आप मुझे बता दो, तो मैं शादी नहीं करूँ, मेरी फैमिली एक मदर और फादर है, घर में कोई है नहीं, कोई कष्ट ना हो। उसके बाद वो बिना बताए हमसे शादी करने के बाद एक गाना होता है केहू दीवाना बन नहीं हर में, तो उस टाइटल सॉन्ग भी हमारे पर शूट हुआ था, उसमें हमारे साथ एक और एक्टर है प्रमोद प्रेमी, हम लोग दो हीरो कहानी रहती है, और बहुत अच्छी कहानी है, और बहुत अच्छी फिल्म बिफोर यू पे चली है, अभी टीवी पे हमेशा चल रही है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। वो भी हैं, वो एक्चुअली शूट पे थी, शूट पे एक्चुअली लखनऊ में शूट चल रही है, तो किसी कारण बस उनको टाइम नहीं मिलने के कारण एक आई है तो एक साथ में और हैं, और एक गायब तो एक है ना, मैं कहीं से लाया ना भैया, नहीं लाया, एक हीरोइन अभी तो हमारी यही है जो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट वही तो हीरोइन है ना, है ना। अगर त्रिशा जी के लिए 3 शब्द बोलना है तो क्या बोलेंगे? त्रिशा जी मतलब पॉजिटिव, हर काम में पॉजिटिव सोचती हैं हमेशा, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो मैटर नहीं करता है, उस कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव कर देती हैं। पहला जो मैं तो एक ही मुलाकात के दूसरा मुलाकात यहाँ हो रहा है,
सुजीत जी प्रोड्यूसर ने हमारा मीटिंग एक बार करा है, और सेकेंड में इनका पहला तो मैं बोल, दूसरा क्या है कि किसी भी किंतु परंतु सोचने का नहीं होता, जो काम में लग गई उसको सोचने के पूरा करके ही छोड़ना है, या दो दिन आगे हो या चार दिन आगे हो। तीसरा में है कि हमारा आज के में कोई भी एक्ट्रेस हो एक्टर हो डेट टाइम का थोड़ा सा लोचा शूटिंग में चले गए हैं, तो जो मुझे सुनने में मिला है कि इनके बारे में सेट पे जाने के बाद जब तक फिल्म खत्म नहीं होती है ये सेट छोड़ के आते नहीं, ये प्लस पॉइंट है। दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? दर्शक को यही कहेंगे कि दर्शक हम लोग को जिस तरह आज देख रहे हैं उस तरह सिनेमा हॉल में जितने भी दर्शक हमारे हैं सभी को हाथ जोड़ कर राहुल सिंह एक्टर एंड सिंगर को की तरफ से नमस्कार, प्यार और ज्यादा प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए, प्यार दीजिए। और जैसे हम लोग दिख रहे हैं ऐसे ही हम लोग दिन दुगना रात चौगुना कर हम दो तीन साथ में बैठे हैं, हम लोग डेवलप करते जाएं, और दर्शक से ही हमारा गुहार है कि जैसे हमें आज क्यों दीवाना हुआ नहीं है भोजपुरी फिल्म को प्यार दिया, उस तरह से हमारी फिल्म सती नागिन धर्मपत्नी को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग इस तरह से फिल्म पारिवारिक फिल्म में इतना रुझान बना दें कि दूसरी तरफ हम लोग का कोई सोच ही नहीं हो कि हमारी फिल्म जो आज देश में विदेश में गाँव में और भी कुछ अच्छा हर लोग कहे कि नहीं सती नागिन धर्मपत्नी ऐसा फिल्म हो कि हम लोग घर पूरा परिवार सिनेमा हॉल में देखे टीवी में देखे, ये हमारी जनता का सोच ऐसा बन जाए कि हम लोग फिर हमेशा ऐसा ही फिल्म बनाते रहे। ये फिल्म नारी प्रधान पे है, सती नागिन धर्मपत्नी तो देखने के बाद पता चलेगी आप लोग कैसी फिल्म है। राहुल तो दोनों पर 100% है, अच्छा देंगे दोनों। सर शूट का क्या प्लान है, कहाँ शूट करने वाले हैं? शूट हम झारखंड जमशेदपुर में करने वाले हैं, जमशेदपुर में। कॉन्सेप्ट किस तरह का है वो सर बताएंगे, हमारे डायरेक्टर साहब हमारे डायरेक्टर साहब ऐसे हैं कि इनकी कॉन्सेप्ट ऐसी होती है कि अभी यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इनका चल रहा है, हम लोग को भी पता नहीं चलता, डायरेक्ट हाउस टेक दो कॉन्सेप्ट वही लिखा जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है रहा कि सती नागिन धर्मपत्नी, नाग नागिन के ऊपर तो कहानी बहुत सारे फिल्म देखेंगे, हम कुछ अलग हट के लाए हैं, एक ऐतिहासिक कहानी है। अब आपको पोस्टर से तो लग रहा होगा एक नागिन है एक धर्मपत्नी है, तो पोस्टर से तो क्लियर होगा इस तनु जी धर्मपत्नी है और त्रिशा नागिन है, तो नाग तो एक ही है, नाग एक ही है, तो उसको अब फिल्म में दिखाएंगे हम लोग कि कैसे दिखाते हैं दोनों धर्मपत्नी और सती नागिन कैसी है वो फिल्म में दिखाएंगे। शूट हम लोग प्लान बनाए हैं, हमारे सुजीत सुमन जी प्रोड्यूसर हैं हमारे, हम लोग दोनों मिलकर प्लान बनाए हैं कि झारखंड में होगा और जमशेदपुर में बहुत जल्द 28 नवंबर से शुरू कर देंगे। रिलीज 2022 में ही होगी, और रिलीज बनाने से पहले सती नागिन धर्मपत्नी बनाने से पहले कुछ लोगों से मीटिंग किया जिन्होंने बोला कि नहीं आप करिए फिल्म, आपका कॉन्सेप्ट हीरो है, आप टेंशन मत लीजिए और जो भी लागत होगा आपका निकल जाएगा। जी राहुल जी को और आप कितनी, राहुल जी त्रिशा जी तनु जी तीन तनुश्री, कुछ तो उम्मीद रखी हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। राहुल जी के साथ पहला जी मेरी पहली फिल्म है राहुल जी के साथ, त्रिशा जी के साथ कर चुके नहीं, त्रिशा साथ दो फिल्म कर चुके हूँ, सब भोजपुरी है सर। वो बनने के बाद मार्केट में आने के बाद देखते हैं क्या उम्मीद होता है, अच्छी बनेगी तो अच्छी है। अब इनकी एक फिल्म आ रही है सैया अमर थानेदार, जो अभी प्रोड्यूसर भी वो है और डायरेक्शन भी मैं किया हूँ, छठ तो रिलीज होगी, दीपावली बाद भी रिलीज हो जाएगी। गाने वाने राहुल जी ने बताया मतलब बहुत खूबसूरत है, तो काम कितना अमन गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, और अमन जी 50% काम कर चुके हैं, और झारखंड के मिनी मुंबई लोग बोलते हैं जमशेदपुर को टाटा जमशेदपुर, वहाँ हम लोग प्लान के शूट करने का, और सर का योगदान ऐसा है कि इतने हमारे सीधे साधे प्रोड्यूसर हैं भोला वाला कि मतलब ये खाली प्लान यहाँ सेट करते हैं कहाँ कॉन्सेप्ट क्या करना है बस चला जाए, लोकेशन अच्छी मिलना चाहिए। आपका होम टाउन तो बिहार है लेकिन झारखंड में काम नहीं की सोचे, स्टार्टिंग करें झारखंड में भी। रखा गया सर फिल्म के बारे में बताइए,
सबसे पहले तो आप लोग इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए, सती नागिन और धर्मपत्नी फिल्म को, तो करवा चौथ के इस पावन त्यौहार पे आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और फिल्म जो है बहुत अलग कंटेंट लिए हुए, बहुत ही पारिवारिक, बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म, म्यूजिकल फिल्म, और बहुत ही जितनी भोजपुरी में जिस तरीके का मैं म्यूजिक करता आ रहा हूँ, कम से कम 150 फिल्मों में मैंने संगीत दिया है, तो इस फिल्म में एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही स्टोरी है, अलग ही सिचुएशन मुझे लगा, और बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है गाना बनाने में। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके गाने जो है बहुत हिट होंगे, और फिल्म में अच्छे जैसे सभी कलाकार बहुत बढ़िया हैं। हमारे डायरेक्टर जो हैं सूरज जी, सूरज राजपूत, उनके साथ मैंने बहुत सारी फिल्में पहले भी की हुई है। मेरी एक सुपरहिट फिल्म थी अर्धांगिनी, उसमें उन्होंने निर्देशन दिया था। तो हम लोग की जोड़ी जो है बहुत अच्छी है, एक हिट जोड़ी कह सकते हैं आप, और पूरी उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन गाने हम लोग बनाएंगे। फिल्म में गाने किस तरह के रहेंगे सर? इसमें बस ये कह सकते हैं कि बहुत ही मेलोडियस गाने, जिस तरीके का मेरा आपने सुपरहिट गाना सुना था थमके बरस मेरा महबूब आने वाला है, तो उससे ऊपर का कुछ सोचूंगा इसमें, और इस पर मैंने वर्कआउट किया भी है, कुछ गीत बना भी है, और बहुत ही हिट गाने, मतलब आप मेलोडियस गाने कह सकते हैं, जो भोजपुरी में एक अलग तरीके का रोमांस, और जो हमारे भोजपुरिया भाइयों को पसंद आता है रिदमिक मेलोडियस, तो उस तरीके का इस पर गाना बन रहा है। हम तो अभी पहले पहल आए हैं, इसमें सहयोग कर रहे हैं कि बढ़िया फिल्म हो। खे सर कहाँ से हैं? हम कैबूर से हैं। कैबूर बिहार। बिहार। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से, जितने लोग देख रहे हैं सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ। इस फिल्म में हम पहली बार एंट्री किए हैं, और जो डायरेक्टर इस फिल्म के हैं सूरज सिंह राजपूत, वो हमारे करीब घर के हैं, भैया लगते हैं। तो बोले तो चलिए हम ले चलते हैं फिल्म में, तो हम बोले तो ठीक है ले चलिए। जो राहुल सिंह जो है हीरो जो इस फिल्म का, मेरे चाचा का खास चाचा का दोस्त हैं, वो भी आए घर पर हमारे, गए सब मिले, बोले तो हम ले चलते हैं फिल्म में। हम बोले ठीक है ले चलिए। तो उन दोनों लोग घर के हैं, हीरो भी घर के हैं, डायरेक्टर भी घर के हैं, बहुत दोनों लोग अच्छे इंसान हैं। तो हम सोचे तो ठीक है चलते हैं, तो हमको रोल मिला है इस फिल्म में किरदार निभाने का। मैं गोपाल सिंह, गायक अभिनेता। सबसे पहले यहाँ जितने भी मुहूर्त में आए हुए लोग हैं उन सबको तारीफ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी फिल्म हम सबके बीच ला रहे हैं, जिसके डायरेक्टर सूरज जी हैं और प्रोड्यूसर सुजीत सिंह जी हैं, और हमारा छोटा भाई राहुल जो है आज ये दूसरी फिल्म कर रहा है, और नो डाउट बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया एक्टर है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे भोजपुरिया श्रोता और दर्शक हैं जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आशीर्वाद प्यार दें, ये फिल्म हिट हो। और ये फिल्म का टाइटल भी बहुत ही बढ़िया है, सती। इस फिल्म क्या अगला क्या नाम है इनका? सती नागिन धर्मपत्नी। बताइए करवा चौथ है, सब मेरा नाम सती नागिन और धर्मपत्नी, मतलब बहुत ही प्यारा टाइटल है, तो ये टाइटल से ही फिल्म हिट है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे भोजपुरिया जो दर्शक हैं, जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जो और हमारे बीच में जो है भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही उम्दा सरस्वती के हस्ताक्षर हैं अनु पांडे जी, बड़ी अच्छी सिंगर हैं, तो हमारे भाई हैं संजय वर्मा जी, नाम के मोहताज नहीं हैं, तो ये फिल्म के अंग हैं, इस पार्ट हैं इस फिल्म के। तो हम चाहेंगे कि आप सब इस फिल्म को आशीर्वाद दें, फिल्म हिट हो और हमारा पूरी यूनिट ये हिट हो, और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं मिल करके इस फिल्म को सफल बनाएं। मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी कि इतने महान लोगों के बीच में बैठे हुए, आई एम वेरी लकी। और खुश नसीबी होती है जब आपको अच्छे लोग आपका नाम लेके और आपको सम्मान देते हैं, तो आई एम वेरी लकी। और रही बात गाने की, तो थोड़ा बहुत माता रानी का आशीर्वाद है, इतना तो नहीं, बहुत अच्छा अच्छा लोग गाते भी हैं। बट इस फिल्म के लिए मैं ज़रूर एक बात बोलना चाहूँगी
कि जो इस फिल्म का टाइटल है ना, इसमें मैं औरत के तीन रूप कैसे कैसे हैं वो दर्शाया गया है, जिसको बोलते हैं आक्रोश, नागिन या सती। एकदम नागिन, दो मर्दों के बीच में एक नागिन। मैं स्वीट वाली नागिन हूँ, मैं डस्ती नहीं हूँ, खाली वो खूबसूरत सी बन के और यू नो अट्रैक्शन करने वाले टाइप जब दसा तो पता होना चल करवा चौथ है कि अब इनके केक का बताइए। नागिन बहुत सुंदर होली, नागिन से डराए ना जाला। नहीं फिल्म सुजीत जी जो डायरेक्टर हैं, अरे प्रोड्यूसर हमारे फिल्म के, और सूरज जी डायरेक्टर हैं, इनके साथ मेरी तीसरी फिल्म है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सज्जन हैं। इसी कड़ी में तो ये तीसरी फिल्म है, लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है, आज करवा चौथ है और मैं उपवास रखा हूँ। सबकी बीवियाँ रखती हैं, मैं अपनी पत्नी की। कितनी बड़ी बात है, वाह वाह, क्लैपिंग बनती है। नहीं, दर्शक हमारे जानते हैं हम कितने भुखड़ी टाइप के आदमी हैं, तो हमें सब भूखे रहते हैं। एवरीवन नोस, करेक्ट। सभी दर्शकों को संजय वर्मा का प्रणाम। लगले दीपावली बा और छठ बा, तो छठ और दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं। जी नमस्कार, मैं हूँ एक्टर कुसुम सिंह। सो लाइक मैंने भोजपुरी में तो मतलब थोड़ा बहुत काम किया है, तो लाइक पहली बार स्टार्ट किया है, 6 मंथ हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मूवी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बस इतना ही, थैंक यू। मैं तो बस इस फील्ड में नहीं आई हूँ, भोजपुरी में, तो मुझे अच्छा लगा राहुल जी का व्यवहार, और बहुत अच्छे कलाकार लगे मुझे। तो आजकल भैया बड़ा खतर। मैं जो भाई कौन बना रहा है ये फिल्म तो मुझे नहीं मालूम है। सुमन जी को बहुत बहुत मुबारक हो, और अच्छी से उनकी फिल्म बन जाए, अच्छी से चले, ये मेरी उनके साथ शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और सुजीत सुमन जी को बहुत बहुत बधाई है, और ये हमारी तरफ से शुभकामना है कि वो अच्छी फिल्में लेकर आ रहे हैं, और सारे दर्शकों से यही निवेदन है कि इस फिल्म को लोग प्यार और दुलार आशीर्वाद सब दें। अभी आज उसका खुलासा नहीं होगा, वो कल होगा, आज नहीं, अभी उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, और करेंगे, और पूरा मीडिया का सबका सपोर्ट रहेगा, सेटेलाइट से लेकर हर एक, क्योंकि क्लेम बहुत बड़े लोग पे जाने वाला है। हुआ क्या है, कुछ बोल दिया तो सही? अब बता नहीं सकते, बताएंगे तो तब तो पता ही खुल जाएगा। तो चलिए, इस फिल्म के लिए सुजीत जी को बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना, वैसा ही फिल्म बनाते रहे। नमस्कार। हमारे बड़े भैया हैं सुजीत कुमार सुमन जी, हमारे दोनों भाई हैं, ये हम लोग का फिल्म नहीं एक ड्रीम है। हम लोग बहुत ही प्यार और लगन से काम करेंगे इसमें, और हम दोनों भाई का मेहनत रंग लाएगी, और दर्शकों का हमारा आभार है कि मतलब हमें प्यार मिले, दुलार मिले मार्केट में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.